उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु पर आए दिन जाम की समस्या देखने को मिलती है। गांधी सेतु पार करने वाले यात्रियों को अक्सर जाम का सामना करना पड़ जाता है। कई बार तो एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रहती है, जिसके कारण पीएमसीएच अस्पताल पहुंचने के पहले ही एम्बुलेंस में मरीज की मौत हो जाती है। जाम का मुख्य कारण रहा 44 नंबर पाया धंसने के बाद पुल निर्माण कंपनी कई सालों से मरम्मत कार्य में लगी है, जिसको लेकर पुल को वन वे कर दिया गया और सेतु पर वाहनों के भारी दबाव बन जाते हैं, जिसमें पुल पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पुल निर्माण को लेकर चल रहे आपसी खींचतान में ना ही महात्मा गांधी सेतु पुल की मरम्मत ठीक से हो पा रही है और ना ही इसके समानांतर पुल बनाने की योजना कार्य में तेजी लाई जा रही है। राज्य सरकार ने तत्काल जाम से निपटने के लिए गांधी सेतु के समानांतर गाय घाट के पास पीपा पुल निर्माण का फैसला लिया और छोटे वाहनों को अप डाउन परिचालन कराए जाने के लिए पीपा पुल बनाने की घोषणा की, जो अब बनकर तैयार होने की स्थिति में है। लोगों को भी टू लेन पुल बनने का लंबे समय से इंतजार था, पर अफसोस की बात यह है कि अभी एक लेन ही पीपा पुल बन पाया है, जिस पर सिर्फ हाजीपुर से आने का रास्ता है। हाजीपुर से पटना की तरफ आने के लिए ये बना है, जाने के लिए जो सेट बन रहा है उससे जाया जाएगा, अभी सिर्फ आने के लिए है। अभी मतलब सिर्फ आने के लिए? हाँ, सिर्फ आने के लिए। अगर पटना से रोड जाना है तो किस रोड से हम जा सकते हैं? जी नहीं, ऊपर से जाना होगा, गांधी सेतु से जाना होगा। और आने के लिए हाजीपुर की तरफ से पटना आने के लिए यह बना है। और पटना से हाजीपुर जाने के लिए अभी महात्मा गांधी सेतु पुल का ही सहारा लेना पड़ेगा। लोगों का मानना है कि इसके लिए सरकार को स्थायी पुल बनाने के कार्य में तेजी लाने की जरूरत है। मतलब एक ही लेन चालू होने वाला है, तो अभी परेशानी उतनी नहीं मतलब सॉल्व होगी जितने पहले हम लोग उम्मीद करते थे। इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों तरफ से आने जाने की दोनों तरफ व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आम जनता को जो परेशानी होती है वो थोड़ी कम हो जाए। लेकिन अभी जो बन रहा है क्या, इससे तो परेशानी कुछ कम होगी? हाँ, थोड़ा बहुत राहत तो मिलेगा, बट हम जो उम्मीद करते वो नहीं होगा। लाइव सिटीज के लिए पटना सिटी से प्रवीण कांत की रिपोर्ट।